स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट क्लास में हमने क्लास सेवन्थ का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन के कुछ पैराग्राफ पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि राजा 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो अपने राज्य में, किंगडम में क्या, अपने संदेशवाहक को भेज करके संदेश भिजवाते हैं कि जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। और राज्य से बहुत बुद्धिमान लोग आते हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर देना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर क्या मिलता है उन्हें कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि काउंसिल बनानी चाहिए, यानी बुद्धिमान लोगों का एक समूह, परिषद बोल सकते, परिषद बनानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति क्या करे, सारे डिसीजन ले, सारे निर्णय ले। तो इस तरीके से पहले जो प्रश्न के भिन्न भिन्न आंसर आए, अलग अलग आंसर आए। अब हम आगे पढ़ेंगे, बट देन अदर्स सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ कार्य क्या हो सकते हैं बहुत अर्जेंट, अर्जेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण या शीघ्र करने वाले कार्य हो सकते हैं जिन्हें शीघ्र करना पड़ता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये जो डिसीजन ऑफ द काउंसिल यानी काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकते कौन से काम, अर्जेंट वर्क जो है वो काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यानी कि सही समय सही काम का निर्णय लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेसेसरी, ये महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य के बारे में सोचें, भविष्य के बारे में दूरदृष्टि रखें। एंड ओनली मजिशियंस कैन डू दैट, सिर्फ मजिशियन यानी जादूगर ही क्या कर सकते हैं, अपने जादू से ये पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मजिशियंस, और राजा को क्या करना पड़ेगा, अब जादूगर मजिशियंस के पास जाना पड़ेगा, तभी उन्हें पता चलेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप पहले ही डिसाइड कर लो कि इस दिन ये काम करेंगे और उस दिन कुछ और हो जाए तो हम वो काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें फ्यूचर का भी पता होना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया लोगों ने, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, किनकी सलाह उन्हें लेनी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर्स, कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लोग, पीपल मोस्ट नेसेसरी यानी सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, काउंसलर्स, जो परिषद के जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। अदर सेड, कुछ ने कहा था प्रिस्ट्स, पुजारी जो है राज्य का उसकी बात सुननी चाहिए, कुछ ने ऐसा कहा। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जो है उसकी बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स जो है, राज्य के सैनिक जो है, वो मोस्ट नेसेसरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी बात आपको सुननी चाहिए। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर लोगों ने दिया कि काउंसिलर की बात सुने या डॉक्टर की सुने, कुछ ने कहा पुजारी की सुने, कुछ ने कहा सोल्जर की सुने। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो प्रश्न था हमारा, तीसरा प्रश्न क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी राजा को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो करना चाहिए, या अपने राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या करवाने चाहिए। सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान से संबंधित कार्य होने चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, दूसरों ने कहा नहीं, युद्ध जरूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, लेकिन कुछ ने उसमें से क्या कहा, रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस यानी धार्मिक पूजा पाठ करनी चाहिए, धर्म की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, ये 3 प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल चुके थे और वो बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही अलग अलग थे सारे प्रश्नों के उत्तर। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, किंग क्या था, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, जो 3 प्रश्नों के लोगों ने उत्तर दिया उससे संतुष्ट नहीं हुआ और गेव नो रिवार्ड यानी कोई भी इनाम नहीं दिया। पहले जब राजा ने अनाउंस करवाया था तब क्या कहा था कि जो भी इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा, अच्छे से उत्तर देगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा, पर जब
सेटिस्फाइड नहीं हुए, राजा संतुष्ट नहीं हुए तो उनको कोई इनाम नहीं दिया गया। इंस्टेंट ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। इसकी बजाय उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, सर्टन हर्मिट। हर्मिट होता है सन्यासी। मुझे किसकी एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, सलाह किसकी लेनी चाहिए, एक सन्यासी की सलाह लेनी चाहिए, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो किस लिए जाना जाता है दूर दूर तक, वाइडली यानी दूर दूर तक किस लिए जाना जाता है, विजडम उसकी बुद्धिमती और समझदारी के लिए जाना जाता है। हर्मिट, हर्मिट का मतलब देखो यहाँ दे रखा है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, व्यक्ति जो अकेला रहता है और अपनी साधारण जिंदगी जीता है। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट कहाँ रहता था, वुड, वुड यहाँ पर फॉरेस्ट क्या है, जंगल में रहता था और वो जंगल को कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने कभी दूसरे लोगों को नहीं देखा, किसको देखा, सिर्फ साधारण लोगों को, सिंपल पीपल यानी साधारण लोगों को देखा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने क्या किया, अब ऑर्डिनरी क्लोथ होता है सामान्य कपड़े पहने, बाकी तो राजा बहुत सारे मुखट वगैरह सारी चीज़ें पहनते हैं, अपने राजसही वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जब वो हर्मिट के पास जा रहे थे तो उन्होंने ऑर्डिनरी कपड़े पहने, बिल्कुल साधारण कपड़े पहने, ताकि पता ना चले कि वो राजा है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। यानी राजा की जो हट है, राजा जो थे वो हर्मिट की हट, हट यानी झोंपड़ी से झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले अपना जो हॉर्स था, घोड़ा था, उसको अपने बॉडी गार्ड अंगरक्षक के पास कहीं दूर बांध देते हैं और अकेले वेंट ऑन अलोन, अकेले ही उस राजा क्या करते हैं, अकेले ही हर्मिट के पास जाते हैं। तो ये हमारा था नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने क्या देखा कि राजा क्या है, तीनों प्रश्नों के उत्तर तो ढूंढ ही रहे थे, तो फर्स्ट प्रश्न जो प्रश्न था उसके तो आंसर उनको मिल गए थे, सेकंड के जो आंसर मिले वो क्या मिले थे कि राजा को किसकी सलाह लेनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा काउंसिलर की, जो परिषद के सदस्य हैं उनकी, कुछ ने कहा डॉक्टर की, कुछ ने कहा सोल्जर्स की, और थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें कहा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, साइंस, किसी ने कहा फाइटिंग महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप महत्वपूर्ण है, और जो थर्ड क्वेश्चन था तो तीनों क्वेश्चन खत्म हो चुके थे, तो राजा को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो लोगों ने दिए थे उससे वो संतुष्ट नहीं हुए, और क्या 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 राजा ने, राजा जंगल की ओर हर्मिट को ढूंढने के लिए निकल गए ताकि वो उनसे उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सके, उन्होंने एकदम साधारण कपड़े पहने और जंगल की तरफ निकले, और हर्मिट की जो हट थी, झोंपड़ी थी, उससे पहले अपने घोड़े को दूर खड़ा कर दिया बॉडीगार्ड के साथ और अकेले उस हर्मिट के तरफ बढ़े। तो ये हमने पढ़ा।